नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन से पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जमकर भड़ास निकाल रहे। बुधवार को जहां भूमि पूजन की तैयारी हो रही थी, तो उसी दिन सुबह सुबह ओवैसी ने बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक ट्वीट कर दिया और लिखा, बाबरी जिंदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बाबरी मस्जिद का राग छेड़ने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में भूमि पूजन के दिन बाबरी मस्जिद को याद करते हुए ट्वीट किया, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, इंशाल्लाह बाबरी जिंदा। ओवैसी के ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर हैशटैग बाबरी जिंदा है ट्रेंड कर रहा। बता दें, 1528 में अयोध्या में मुगल सम्राट बाबर ने मस्जिद की नींव रखी थी, जिसे 1992 में 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर इसकी गुंबद गिरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद इसी जगह पर राम मंदिर बनने जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी के PM के रूप में अयोध्या जाने का भी विरोध किया था। हालांकि PM मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच भी गए। भूमि पूजन के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। मंगलवार को ही राम मंदिर का वास्तविक स्वरूप यानी ढांचा भी ट्रस्ट ने जारी किया और बताया कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर कितना भव्य होगा।